बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको 16 साल की बच्ची की फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। पहले मैं तीरे का नाप लूंगी। ये निशान मैंने 8 इंच पे लगाया, नीचे भी 8 इंच पे। जी मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी 10 इंच पे, सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी। सात इंच पे कमर का निशान, अब मैं तिरछी लाइन ड्रा कर लूंगी। फ्रॉक की लंबाई मैंने रखी है 35 इंच। अब मैं गुलाई करके इसकी कटाई कर लूंगी। ऊपर से आधा इंच मैंने ज्यादा कपड़ा रखा था। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जो साइड से मैंने पीस उतारा है उसे मैं इसके साथ अटैच करूंगी, इस तरह से तिरछा रख के। फ्रॉक की चौड़ाई कम थी, ये पीस मैं इसके साथ अटैच करूंगी। बैक साइड वाला पीस फ्रंट साइड भी अटैच करूंगी और फ्रंट साइड वाला बैक साइड भी अटैच करूंगी। अब मैं नीचे से गुलाई कर लूंगी। अब मैं बाजुओं की कटिंग कर लूँगी, ये पीस मैं फ्रंट साइड भी अटैच करूँगी। ये कपड़ा डबल फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 8 इंच है। अजाफी कपड़ा उतार दूंगी। ये कंधे की कटाई जो है मैं 4 इंच ऊपर से कपड़ा लेके कटाई करूंगी, नीचे से भी अजाफी कपड़ा उतार दूंगी और इसे डबल फोल्ड करके बाजू पे अटैच कर दूंगी।
इसकी लंबाई मैंने 19 इंच रखनी है। इसे डबल फोल्ड करके लगाऊंगी बाजू के फ्रंट पे। इस पीस को जो साइड वाले पीस थे मैं वो अटैच कर लूँगी फ्रॉक के साथ। फ्रंट साइड का गला तैयार था, बैक साइड का गला मैं कटाई कर लूँगी। 3 इंच मैंने चौड़ाई रखी है इसकी, 2.5 इंच लंबाई। अब इसके साथ तिरछी पट्टी अटैच कर लूँगी। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है, तिरछी पट्टी मैंने ली है। अब मैं गले की बैक साइड पे इसे अटैच कर लूँगी। अब मैं पहले इसे सिलाई लगाऊंगी इस तरह से रख के। नीचे वाली सिलाई भी बाहर को मोड़ूंगी। इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। अब तीरे की सिलाई लगा लूंगी। अब इसे मैं मोड़ के सिलाई लगा लूँगी अंदर की साइड को। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। अब मैं बाजू की पट्टी अटैच कर लूँगी नीचे रख के। ऊपर कपड़े को फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद बाजू अटैच कर लूँगी।
बाजू को क्लोज़ करके सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद घेरे की सिलाई भी लगा लूँगी, बाजू भी अटैच कर लूँगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। ये इसकी फ्रंट साइड है, बैक साइड वाले पीस मैंने फ्रंट साइड भी अटैच कर दिए हैं। इस तरह से इसमें ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। इसी तरह से बदल के कपड़ा आपस में अटैच कर लें तो बहुत ही खूबसूरती आ जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।